नमस्कार, मैं अर्चित कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूँ IIMT मेरे को शेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज के दिन हुई थी पहली बैठक। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इसका बहुत महत्व है। 17 जनवरी 1946 को सुरक्षा परिषद की पहली बैठक लंदन स्थित चर्च हाउस में आयोजित की गई थी। UNSC वैश्विक शांति और सुरक्षा जैसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों को देखता है। संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्य बनाने का अधिकार भी सुरक्षा परिषद को है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में फेरबदल करने का अधिकार भी UNSC को है। मुगल बादशाह अकबर ने आज के दिन किया था असीरगढ़ किले पर कब्जा। मुगल सम्राट अकबर ने 17 जनवरी 1601 को असीरगढ़ के अभेद्य किले को अपने कब्जे में कर लिया था। अकबर की सेना ने धोखे से बहादुर शाह फारूकी को बंदी बनाने के बाद उनके पुत्रों को बंदी बना लिया था। अकबर ने बहादुर शाह को ग्वालियर के किले में और उसके पुत्रों को अन्य किलों में रखा था। अकबर ने छल कपट और सोना चांदी हीरे मोतियों से असीरगढ़ किले के मंत्री और सैनिकों को खरीद लिया था। इसके बाद सैनिकों ने किले का द्वार खोल दिया था। यहां से मुगलों का दक्षिण भारत का विजय अभियान शुरू हुआ था। इराक पर हमले के साथ आज के दिन शुरू हुआ था खाड़ी युद्ध। अमेरिका ने 16 जनवरी 1991 को इराक के खिलाफ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत की थी। इसी के साथ 17 जनवरी को खाड़ी युद्ध आरंभ हो गया था। इससे पूर्व 1990 में इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर नियंत्रण कर लिया था। दरअसल ईरान के साथ युद्ध के दौरान कुवैत ने इराक को काफी फंडिंग की थी। युद्ध समाप्त होने के बाद इराक कर्ज में डूब गया था और उसने कुवैत से कर्ज माफ करने के लिए कहा था। कर्ज माफी को लेकर सहमति न बनने पर इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था। आज के दिन हुआ था ज्योति बसु का निधन। 23 साल तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु का निधन 17 जनवरी 2010 को कोलकाता में हुआ था। लंदन से वकालत की पढ़ाई करने के बाद 1930 में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ली थी। ज्योति बसु प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, हालांकि उन्होंने खुद 2 बार ये ऑफर ठुकराया था। 1996 में तीसरी बार ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर मिला था और वह इस बार प्रधानमंत्री बनने को तैयार थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी थी। इससे पहले 1989 और 1990 में बसु को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया गया था, पर बसु ने मना कर दिया था। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।